हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, आप लोग थंबनेल ही देखकर समझ गए होंगे। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, विदाउट एग्जाम के आप लोग मार्कशीट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, यानी कि बिना परीक्षा दिए हुए आप लोग मार्कशीट यानी कि सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से ये मार्कशीट सर्टिफिकेट कहाँ से और कैसे मिलता है, मैं इस वीडियो में इसके बारे में मैं आज खुलासा करने वाला हूँ। कहाँ पर ये बनता है और कैसे मिलता है, इसके लिए क्या करना होता है, मैं सारा जानकारी को इस वीडियो में डिटेल में देने वाला हूँ। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, तभी जो है आप लोग समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड की पल पल की खबर सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे और आप लोग जान सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा ही देख कर जाइए, तभी जो है आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 से अधिक डुप्लीकेट मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट। देखिए, आप लोग वीडियो को कहीं छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को पूरा ही देख कर जाइएगा, तभी जो है आप लोग समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर बताया गया है अनलॉक वन में डीओ कार्यालय में कामों ने रफ्तार पकड़ी है, 150 से अधिक छात्रों के डुप्लीकेट मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट का मामला अटका है, ये तमाम आवेदन 5 महीना पहले के है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डुप्लीकेट जो मार्कशीट बनाया जा रहा है, यहाँ पर जो है इसका 5 महीना पहले का जो है यहाँ पर आवेदन किया गया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुजफ्फरपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में आए थे, लॉकडाउन के कारण इनका काम नहीं हो सका। देखिए, ये जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि मुजफ्फरपुर स्थित क्षेत्रीय यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय में ये लोग जो है गए थे, लॉकडाउन के कारण इनका काम नहीं हो सका। यहाँ मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के छात्र भी डुप्लीकेट मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट के लिए आते हैं। छात्र यहाँ आकर पता करते हैं तो बताया जाता है कि लॉकडाउन के कारण सर्टिफिकेट बोर्ड से अब तक नहीं आया है, वहाँ से आने के बाद ही उन्हें मिल सकेगा। देख, व्यवस्था है कि पटना के बदले छात्र का आवेदन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में ही जमा होता है। इसका आवेदन जो है पटना के बदले छात्र का आवेदन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में ही जमा होता है, इसका जो है बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में जो है इसका आवेदन जमा किया जाता है, 1 सप्ताह में उनकी काम हो जाती है। देखिए, यहाँ पर जो है डुप्लीकेट प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन को जो है जमा किया जाता है, उसमें जो है 1 सप्ताह के अंदर में जो है ये डुप्लीकेट प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट यानी कि सर्टिफिकेट जो है बनाकर दे दिया जाता है। छात्र का कहना है कि अनलॉक में अब 2 बार मोतिहारी से आ चुके हैं, लेकिन डुप्लीकेट मार्कशीट नहीं बन सकी। वही अधिकारी का कहना है कि लॉकडाउन के कारण देर हुई है, अब अनलॉक हुआ है तो इन कामों का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, यहाँ पर जो है लॉकडाउन के कारण जो है इन लोग का जो है डुप्लीकेट मार्कशीट नहीं बन पाया, यहाँ पर जो है अब अनलॉक हुआ है तो इन कामों का जो है सिलसिला अब शुरू हो गया है। यहाँ पर जो है डुप्लीकेट मार्कशीट यानी कि सर्टिफिकेट का काम जो है बनाना यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। अगर आप भी डुप्लीकेट मार्कशीट यानी कि सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं बिना परीक्षा दिए हुए, तो यहाँ पर जो है इसका स्थायी पता जो है यहाँ पर जो है बताया गया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुजफ्फरपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में आए थे। आप भी जो है वहाँ से जो है आप लोग डुप्लीकेट मार्कशीट आने की सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते। दूसरा नंबर यहाँ पर बताया गया है, व्यवस्था है कि पटना के बदले क्षेत्रों का आवेदन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में ही जमा होता है, 1 सप्ताह में उनका काम हो जाता है, वहाँ से आप संपर्क कर यहाँ पर जो 1 सप्ताह के अंदर जो है वो काम हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड की पल पल की खबर सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे और आप लोग जान सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।